हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? यार आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और चूंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स की बात करते हैं। गाइस, सबसे ज़्यादा ठंड डॉग को उसके स्टमक से लगती है, तो स्टमक को सेफ करने के लिए उसे एक तो स्वेट रैप करिए उसके चारों तरफ, और जहाँ पे वो बैठता है वहाँ पे किसी तरीके का कोई गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा या एक बेड बना दीजिए गद्दे का, सो दैट उसको डायरेक्टली स्टमक से अंदर ना जाए ठंड। तो ये दो चीज़ें करना है, स्वेटर और एक अच्छा गर्म कपड़ा उसके नीचे बिछाइए। उसका जहाँ पे आप रखते हो डॉग को, तो वहाँ पे एक येलो बल्ब लगाइए, तो ताकि जब टेम्परेचर डिप होता है रात में तो वहाँ पे वो बल्ब हेल्प करता है डॉग को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो बल्ब लगा दीजिए। तीसरी बात, कुछ गर्म तासीर की डाइट उसको ऐड कीजिए खाने में, जैसे कि एग्स आप ऐड कर सकते हो बड़े डॉग के लिए, छोटे डॉग के लिए नहीं, छोटे डॉग के लिए 90 डेज़ के बाद, 3 मंथ्स के बाद, ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए। तो बड़े डॉग की डाइट में आप एग ऐड कर सकते हो, चिकन ऐड कर सकते हो, डॉग फीड इट शुड बी कंटिन्यूड एज इट इज़। और हाँ, ये सीज़न मल्टी विटामिन कैल्शियम देने का बहुत ज़्यादा है, तो बिंदास भर दीजिए अपने डॉग के अंदर मल्टी विटामिन कैल्शियम, सो दैट वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा विंटर में, क्योंकि इनका फेवरेबल सीज़न होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज तो आपको करानी है गाइज, ताकि आपका डॉग फिट रहे, हेल्दी रहे, उसके लेग्स बेंड ना हो, और लिमिटेड टाइम पे कराइए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा करा दिया, 10-15 मिनट इज़ मोर देन इनफ। टाइमली उसको वॉक पे लेके जाओ, नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, 9-8 बजे, 8-9 बजे लेके जाइए सुबह, और शाम को आप 4-5 बजे लेके फ्री कर दीजिए। जल्दी खाना दे दीजिए, सो दैट वो आपके लिए आपकी ड्यूटी कर पाए, वो आपको अलर्ट कर पाए अगर रात में कुछ होता है। 7-8 बजे तक के पहले आप उसको खाना दे दीजिए, दैट विल हेल्प यू। गाइज, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है आपको विंटर्स में देना चाहिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। कॉमन सेंस यूज़ करिए, ठंड लगती है तो स्वेटर पहनाते हैं, गर्म चीज़ें खिलाते हैं और थोड़ा दबा के रखते हैं अपने आप को। हम उसी तरीके से आपको डॉग पे करना है, ऐसा नहीं कि हमने दूसरे के वीडियोज़ या बातें सुन के हमने उसके लिए पता नहीं अजीब सी स्वेटर ले ली या शूज़ ले लिए, ऐसा मत कीजिए। कॉमन सेंस यूज़ करिए, वही करिए जो आप अपने आप को ठंड में बचाने से करते हैं। सो गाइज, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियोज़ भी आपके सामने लाऊंगा कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे। सो आप इंजॉय कीजिए एलेक्स को। अभी कोई भी क्वेश्चन होता है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं उनका आंसर आपको दे पाऊँ और आपके लिए नई नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करता रहूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है। सो गाइज, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और लाइक कर दिया करो यार, एंड सब्सक्राइब करो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।